निजीकरण करने की कवायद में रायपुर के स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट का भी निजीकरण होने की खबरें जोरों पर हैं। एयरपोर्ट के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विमानतल संचालक राकेश सहाय ने बताया है कि मामले में अभी कोई आधिकारिक पत्र जारी नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनल तैयारी जारी है। यहाँ सालाना आने वाले यात्रियों की संख्या 20 लाख से ज्यादा है। लंबा रनवे और एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तारीकरण की योजना की वजह से देश भर के चुनिंदा घरेलू हवाई अड्डों पर रायपुर एयरपोर्ट को भी इस सूची में जगह मिली है। टर्मिनल बिल्डिंग का कैपेसिटी 25 लाख है और पिछले वित्त वर्ष में हम 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुके हैं। इस साल करीब 21 लाख के आसपास हम आएंगे। तो अब अगला जो चैलेंज है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर के लिए कि हम जो लगातार ये एयरपोर्ट नंबर वन रहता है तो उसी स्थान को बरकरार रखने के लिए हम लोग और क्या प्रयास कर सकते हैं। रायगढ़ के तमनार में